हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप गवर्नमेंट की जैम पोर्टल, ये वेबसाइट है, इसके ऊपर जाके आप किस तरह से अपने प्रोडक्ट को अपलोड कर सकते हैं, किस तरह से आप गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको आप अपने प्रोडक्ट जो है वो बेच सकते हैं। तो उस फर्स्ट चीज़ है कि आपको उसके लिए किसी भी ब्रांड का ऑथोराइजेशन लेना होता है। अब ऑथोराइजेशन कोड जो है वो स्पेसिफिक ब्रांड, फॉर एग्जांपल आईटी में जैसे एचपी है, डेल है, लेनोवो है, एसर है, वो आपको एज अ सेलर एक ऑथोराइजेशन नंबर देती है। उस ऑथोराइजेशन नंबर को आपको यहाँ पे वेरीफाई करना होता है, तभी ही आप उस ब्रांड की स्पेसिफिक प्रोडक्ट को यहाँ पे बेच सकते हैं। ठीक है, तो अब आप और उससे पहले आपको अपना एक लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाना होता है, जैसे आप किसी भी वेबसाइट पे बनाते हैं। तो यहाँ पे भी आपको साइन इन में जाके पहले आपको लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड करना होता है, फिर आप माय अकाउंट का ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे मैंने लॉगिन करा हुआ है माय अकाउंट में, जैसे ही मैं माय अकाउंट पे क्लिक करता हूँ मेरे पास में ऑप्शन आते हैं। लेफ्ट साइड पे देखिएगा आप, यहाँ पे ऑप्शन है रीसेलर पैनल। अब जैसे मैं रीसेलर पैनल पे जाता हूँ तो रीसेलर पैनल के ऊपर में जो मुझे ब्रांड ने ऑथोराइजेशन दिया हुआ है, तो वो ऑथोराइजेशन मुझे यहाँ पे वेरीफाई करना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन यहाँ पे नीचे किए हुए हैं, ऑल इन वन पीसी के लिए, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, नोटबुक्स के लिए। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे कंप्यूटर प्रिंटर भी ऐड करना है, तो कंप्यूटर प्रिंटर पे मैं जाता हूँ, वो कैटेगरी स्पेसिफिकली मैं सिलेक्ट करता हूँ, जैसे ये है। अब कंप्यूटर प्रिंटर की कैटेगरी जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो सिमिलरली यहाँ पे ये ऑप्शन पूछता है कौन सी ब्रांड की कौन सी चीज आपको ऐड करनी है। जैसे मैं एचपी सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे मेरा स्पेसिफिक ऑथोराइजेशन नंबर जो भी है वो ऐड करके यहाँ पे जब रिक्वेस्ट करता हूँ तो वो रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। अब एक बार वो फुलफिल हो गई, इसका मतलब कि मेरा स्पेसिफिक एचपी ब्रांड का कंप्यूटर प्रिंटर्स की कैटेगरी में मैं कोई भी प्रोडक्ट अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए भी आपको प्रोडक्ट का कैटलॉग आईडी, यानी कि स्पेसिफिक प्रोडक्ट का स्पेसिफिक नंबर आपको चाहिए होता है। अब जैसे मेरे पास में वो प्रोडक्ट का कैटलॉग आईडी है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऊपर कैटलॉग का ऑप्शन है, प्रोडक्ट का ऑप्शन है, प्रोडक्ट में आप कौन सी नई चीज ऑफर कर रहे हैं आपके जो कस्टमर्स है गवर्नमेंट के, उनके लिए। तो ऐड न्यू ऑफरिंग्स में जाके मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ और मुझे मेरी कंपनी से एक मुझे कैटलॉग आईडी का नंबर दिया हुआ है, जैसे ये रहा, ये स्पेसिफिकली मैंने हाईलाइट किया ताकि आप देख सके। अब ये कैटेगरी, ये जो कैटलॉग आईडी है जो मुझे मिला है उसको मैं कॉपी करता हूँ, क्योंकि मुझे वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट अपलोड करती है। और मैं जब जैसे ही मैंने कैटलॉग में प्रोडक्ट में ऐड न्यू ऑफरिंग करा था, तो उसमें मुझे पूछा जा रहा है कि आप स्पेसिफिक कौन सी प्रोडक्ट अपलोड करना चाहते हैं। अब प्रोडक्ट तो बहुत सारी बिकती है गवर्नमेंट में, सीसीटीवी कैमरा बेचा जाता है, पीसी, एयर फ्रेशनर, अकाउंट सॉफ्टवेयर, मुझे यहाँ पे बेचना है कंप्यूटर प्रिंटर। तो कंप्यूटर प्रिंटर मैं बेचूं, या इसके अलावा दूसरा ऑप्शन है मल्टी फंक्शन प्रिंटर, ठीक है, यानी प्रिंट स्कैन कॉपी वाला। अब यहाँ पे सिंगल फंक्शन यानी कंप्यूटर प्रिंटर बेचने के लिए मैं इस कैटेगरी को सिलेक्ट करता हूँ, तब ये कैटेगरी मेरे पास में ओपन हो जाएगी, जहाँ पे मैं अंदर जाके मुझे जो ब्रांड यानी कि एचपी ब्रांड ने मुझे कैटलॉग आईडी दिया था जो हमने अभी कॉपी किया था, अब वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट को मुझे यहाँ पे गवर्नमेंट के कस्टमर्स के लिए, मतलब मेरे कस्टमर्स के लिए अगर अपलोड करनी है तो वो कैटलॉग आईडी बहुत ही नेसेसरी है, उसके बिना आप इसको अपलोड नहीं कर सकते। ठीक है, अब ये कैटेगरी जो है ये हमारे पास में नीचे ये कैटेगरी आ चुकी है, ये रही। तो ये कंप्यूटर प्रिंटर की कैटेगरी जैसे ओपन हो गई, हमारे पास में ये ऑप्शन है कि हम यहाँ पे पहले सिलेक्ट कर देंगे ब्रांड कौन सी है, ये एस्ट्रिक मार्क यानी ये कंपलसरी है, आपको ये सिलेक्ट करना ही है। यहाँ पे ऑप्शन आता है हमारे पास में कि क्या चीज है, हमारे पास में जेम कैटलॉग आईडी जो हमें ब्रांड ने दिया हुआ है। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा है कि आपका जेम कैटलॉग आईडी यहाँ पे कॉपी कर देना है, मैंने
पास ही में क्लिक किया कॉपी करके पेस्ट करके। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे आ जाएगा कि क्या आपको ये स्पेसिफिक कैटलॉग आईडी पेयर करना है। अगर मैं यहाँ पे ओके देता हूँ तो वो जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ओके कर देता हूँ मैं। ओके करने के बाद में वो स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है वो पूरा का पूरा उसका जो जो एचपी ब्रांड ने स्पेसिफिकेशन बनाया हुआ है वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये प्रोडक्ट को हम लोग ने पेयर करने के लिए ऑप्शन आ गया। अब जनरल इंफॉर्मेशन, कैटलॉग का इंफॉर्मेशन, वो सब कुछ है। ऑफरिंग प्राइस, अब आपको यहाँ पे रिसेलर के तौर पे आप क्या प्राइस यहाँ पे भरना चाहते हैं। ऑथोराइजेशन नंबर आपका जो है स्पेसिफिक वो ये रहा जो आपको कंपनी ने दिया हुआ है, कंपनी कौन सी है, ऑथोराइजेशन डेट क्या है, ये सब कुछ दिया हुआ है, ऑटोमेटिक आ जाता है। आपको केवल इतना करना है कि आप किस प्राइस पे इसको बेचना चाहते हैं उस प्राइस को आपको यहाँ पे मेंशन करना है, जो भी है जैसे 50,000 रुपये हैं। ठीक है, और ये एक बार भर देने के बाद में आप अगर कुछ डिस्काउंट वगैरह देना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन है। ये सब करके आपको स्टेट सिलेक्ट करना है आप कौन से स्टेट में इसको बेचना चाहते हैं। ठीक है, इसमें से कोई भी फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र है तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ महाराष्ट्र, जैसे वेस्ट है, वेस्ट में गुजरात, दमन, महाराष्ट्र, या फिर बिहार में है हमारे पास में, झारखंड में कर सकते हैं, दिल्ली में आप ले लीजिए, हरियाणा, हिमाचल, चंडीगढ़, राजस्थान के अगर आप हैं तो आप जिस स्टेट में जहाँ पे आप इसको बेचना चाहते हैं या जिन जिन लोगों के लिए आप बेचना चाहते हैं वो आप स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए। जोन वाइज में सिलेक्ट करके आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, जिला के कौन से जिला के लिए आप, तो आप पूरा आप जिला भी इसके अंदर में ले सकते हैं, आपका पिन कोड लिख सकते हैं आप जैसा चाहे, बहुत ही सिंपल है। पिन कोड मेंशन कर दिया आपने। टर्म्स ऑफ डिलीवरी, फ्री डिलीवरी एट कंसाइनी प्रीमाइसिस का मतलब है कि आप कस्टमर के एंड तक फ्री डिलीवरी प्रोवाइड करेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आप उस तरह से पैसे जोड़ेंगे ताकि आपका जो डिलीवरी चार्जेस है वो भी आपको इसके अंदर इंक्लूड करना होता है। करंट स्टॉक आपके पास में कितना है, आप 2 यूनिट है, 5 यूनिट है, 10 यूनिट है, कितना बेचना चाहते हैं प्रोडक्ट उसका यहाँ पे यूनिट मेंशन करना होता है। क्वांटिटी आप एक यूजर को कितना बेचना चाहते हैं। लीड टाइम फॉर डायरेक्ट परचेज आप कितना रखना चाहते हैं, डायरेक्टली अगर कोई परचेज करना चाहता है तो कितने समय में कर सकता है। उसके बाद में आप इसको सेव करके प्रोसीड कर देंगे तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन दिखाई देता है। अब प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन और कुछ नहीं, जो कंपनी ने प्रोडक्ट अपलोड करते टाइम पे जो भी इस प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, जैसे इसकी मेमोरी इतनी है या इसका रिजोल्यूशन इतना है, ये सब कुछ आपको कुछ नहीं करना है, ये सब कुछ प्रीडिफाइंड है। अगर आप इमेज अपलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसकी इमेज भी ऑलरेडी दी हुई है, तो बस इतना सा ही है। या आप अगर हो जाता है तो आपका प्रोडक्ट जो है, अभी मैंने इसको इनकम्प्लीट रखा है क्योंकि मुझे इसको नहीं करना है, बट ऑफरिंग क्वांटिटी और प्राइस जैसे ही मैं रखूंगा तो इसके अंदर में आपको सारा ऑप्शंस जो है वो आ जाता है। ऑफरिंग क्वांटिटी और प्राइस मैंने नहीं रखी है क्योंकि मुझे ये प्रोडक्ट मैंने ऑलरेडी इसको अपलोड करा हुआ है, तो ये मैं इसको नहीं करूंगा, इसको ऐसे ही रहने दूंगा। ठीक है, तो बस ये बताने के लिए आपको था ताकि आप इसको एजुकेटिव पर्पस के लिए ले सकते हैं और आप कोई भी प्रोडक्ट इस तरह से अपलोड कर सकते हैं, वो चाहे कंप्यूटर हो, प्रिंटर हो, एक्सेसरीज हो, या एक्स वाई जेड किसी भी ब्रांड की कोई भी प्रोडक्ट। आई होप ये वीडियो आपको कुछ हेल्प ज़रूर देगा। अगर इसमें कुछ नया आता है, कुछ चेंजेस आते हैं, तो इस तरह से मैं आपको वीडियो बना के आपके लिए एक डेफिनेटली हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिएगा ताकि थोड़ा सा प्रोत्साहन मुझे मिलेगा, मैं कुछ और लोगों के लिए कुछ सहायता कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच, गुड डे।